हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एसे ऑन योगा फिटनेस फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आपको एसे बताएंगे, साथ में हम आपको 700 वर्ड्स का एसे बताएंगे। अगर आपको इसी टॉपिक के ऊपर पोएम ड्राइंग चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि आपको पोएम और ड्राइंग और एसे का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको ऐसे लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देख। तो देखिए स्टूडेंट, एसे का मटेरियल सबका लगभग सेम ही होता है, बस लिखने के कुछ टिप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप अपने एसे को औरों के एसे से बेटर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक डाल लेना है, जो भी आपका एसे का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एक स्लोगन योगा से रिलेटेड। तो टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हमने एक स्लोगन लिखा है, योगा फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड फिटनेस, ठीक है। तो आप इसको कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं या फिर ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम एसे को लिखना स्टार्ट करेंगे हेडिंग के साथ। हेडिंग वाइज हम पूरा एसे लिखेंगे क्योंकि 700 वर्ड्स का एसे है, आप इसको पैराग्राफ में नहीं लिख सकते। हेडिंग वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी फर्स्ट पोजीशन भी आ सकती है। तो सबसे पहले हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फिटनेस फॉर ह्यूमैनिटी। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि योगा फिटनेस फॉर ह्यूमैनिटी है वो क्या है, मतलब किस चीज़ के लिए है योगा से रिलेटेड। तो आपको 6 या 7 लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद आपको सेकेंड हेडिंग डालनी है मीनिंग ऑफ योगा। अगर स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर आपको पोएम या ड्राइंग चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं एचसी राइटिंग। तो जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो वहाँ पे आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मीनिंग ऑफ योगा, इसके अंदर आपको योगा का मीनिंग लिख देना है छोटा सा। उसके बाद देखिए हर हेडिंग के बाद हमने यहाँ पे स्लोगन डाले हैं, आप भी अपने एसे के अंदर बीच बीच में कलरफुल पेन या फिर ब्लैक पेन से स्लोगन ऐड कर सकते हैं ताकि आपका एसे और ज़्यादा अच्छा दिखे। उसके बाद फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, सेकंड मीनिंग, थर्ड में आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो है आपके एसे का टॉपिक मेन यही है कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो मानव के लिए ये योग क्यों ज़रूरी है, तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके अंदर आप लिख देंगे। तो देखिए आपको ऐसे लिख देना है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस हमने बता दी है योगा की। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने बीच में एक और छोटी सी लाइन डाल दी है योगा से रिलेटेड, एक्सप्लोर दी लाइफ ऑफ ग्रेट हेल्थ। तो आपको ऐसे बीच में ही छोटी छोटी लाइन डालती रहनी चाहिए, पर आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि योगा से ही रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड हेडिंग थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपका ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है यहाँ तक आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो गई है। तो 3 हेडिंग अब तक हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हमारे एसे की 4th हेडिंग आएगी, योगा दी जैम ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो योगा है वो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए कैसे वरदान है, कैसे एक जैम है। तो इसके अंदर भी आपको 6 या 7 लाइन का लिख देना है। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इस पैराग्राफ को, और सभी हेडिंग आपको जो है ब्लैक पेन से डालनी है ताकि वो अलग से ही जो भी चेकर हो उसको दिख जाए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस के बाद ये पॉइंट डाल सकते हैं कि योगा फिटनेस है वो क्यों ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। तो यहाँ पर हमने डाला है योगा रिमाइंड्स मी टू लाइव इन दी मोमेंट। तो इन हेडिंग्स को आप डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस ही बतानी है कि योगा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है योगा ईजिस माई एक्स एंड पेन्स। यहाँ पे हम इसके बारे में लिख देंगे कि कैसे योगा जो है पेन को दूर करता है। उसके बाद आप ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं और इनकी हेडिंग को आप कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका योगा इज़ फॉर द बोथ द बॉडी एंड माइंड, यानी कि योगा दोनों के लिए, बॉडी के लिए भी माइंड के लिए भी, और इसका क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद फोर्थ है योगा अलाउज मी टू मूव एट माई ओन पेज। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट में आ जाएगा योगा फिटनेस फॉर ह्यूमैनिटी कंक्लूजन। तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं चाहे एग्ज़ाम में, तो कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा योगा फिटनेस फॉर ह्यूमैनिटी के ऊपर ऐसे। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ड्राइंग चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर या फिर पोएम चाहिए, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।